स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। जय माता दी, सुप्रभात सभी को। और बच्चे यहाँ तैयार होकर तीनों नाश्ता कर रहे हैं। आप क्योंकि स्कूल के लिए निकल जाएंगे। पैकेट डाल दे। है कैसा लगा खाना? ब्रेकफास्ट बच्चे सब तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। चले जाओ, अगर बस पकड़ में आ जाएंगे ना ठीक है ना, तो जोगा अंकल आएंगे तो उनके साथ चले जाना, ठीक है। उप तीनों चल दिया स्कूल के लिए। प्लांट है, आ जा जल्दी आ जा। देखो ये वाली नहीं चल रही है ना, पानी कम है, वो वाली चल रही है। बच्चे तो गए स्कूल और आज मैं लग गई हूँ दिवाली की सफाई में। आज सबसे पहले मैं किचन में ही लगी हूँ, उसके बाद धीरे धीरे तो डब्बा तो मेरा थोड़ा साफ भी हो गया है, रैक का सारा डब्बा साफ हो गया है, बस ये लास्ट ही है। पानी तो बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा पानी पीने का मन नहीं कर रहा तो करे क्या, काम सफाई तो करना ही है। ये राजमा छोला सबको धूप में भी डाल देती, तो धूप भी अभी तक नहीं आई है, तो मैं निकाल निकाल के यहाँ पे रख रही हूँ तब तक। ये क्या? उड़द की दाल है, उड़द की दाल है। और इधर देखिए सुबह से ही गर्म पानी से डिटर्जेंट से इसको साफ करके सारे डब्बों को और बाहर में रख दी हवा लगने के लिए, सूख जाएगा। और मैं परेशान हूँ बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए, दोनों बच्चे प्रोजेक्ट करें अपना अलग अलग, तो उसके लिए मटेरियल कुछ दुकान से लाना पड़ता है और कुछ इधर उधर। जैसे अभी मैं छोटा छोटा देखिए छोटा छोटा इसमें कंकर चुन के लाया हूँ नीचे से, और इसमें रेत लाया हूँ, और चारकोल वगैरह कुछ और अभी लाना है। कॉटन छोटे वाला बनाएगा वाटर प्यूरीफाई मॉडल, और बड़े वाला बनाएगा वॉल्केनो फंक्शन, तो कैसे फंक्शन करता है वॉल्केनो, तो उस पर अपने दोस्त के साथ बना रहा है। तो कल शनिवार को प्रेजेंटेशन करना है इसको, स्कूल में 15 स्कूल उसमें भाग ले रहा है। तो चलिए बच्चे हैं सीखेंगे। और देखिए अब जाके धूप फिर से हल्के नीचे आई है, तो बिल्कुल ठंड होती है एकदम, सबका गला एकदम फट रहा है ठंड से, ड्राई कोल्ड हो गया इस बार। तो लग गई काम में, तो बिजी रहेगी तो मैं स्टैंड हो गया साफ करके डाल देते, फिर सूखेगा तो फिर भरना भी पड़ेगा ना। और मैं इधर अदरक तो अदरक वाली नहीं, चुप गला पूरा गला पकड़े हुआ ना। चलिए तो चाय बनाते हैं। किचन का तो अभी काम बाकी ही नहीं है, थोड़ा निकलता है, इन सब को नहीं बट पेंट करवाना पड़ेगा। दिवाली में तो नहीं, दो तीन महीने ठंड बीतने के बाद गर्मी तब करेंगे। ठंड में तो सूखेगा भी नहीं, तो यही चीज है ना। सभी कुछ साफ करने के बाद, धुलाई वुलाई करने के बाद, और कुछ को और बाहर में भी है, ये तो सामान यहाँ रखे दिन, तो उसके बाद पोछा भी लगा रही है। देखिए सारा सबको धोना पड़ा है, मौसम ठंडा है ना, धूप अब जाके थोड़ी थोड़ी आ रही है। किचन का सारा हो गया, दिवाली के नाम पे किचन का सारा सफाई मेरा हो गया, गेट जितना था सब कुछ रगड़ के मैं साफ करती हूँ डब्बा होगा, तो डब्बा तो मैं पलट दी थी तो अंदर थोड़ा हवा लग जाए, क्योंकि धूप तो यहाँ तक अब आएगी नहीं, यहाँ पे आप धूप आना बंद हो गए, तो
थोड़ा हवा लग जाए अंदर का भी सूख जाए आराम से, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ के तब सामान सब रख दूँगी। चलिए अब थोड़ी देर पहले मैं बैठ के दो रोटी खा लेती हूँ। खाने का भी वैसे मन नहीं कर रहा, मन तो कर रहा थोड़ी देर धूप में जाके बैठूँ, पर अब धूप जाने ही वाली है क्योंकि मुझे आज नहाते नहाते 2 बज गया है। अब आलू भी धो के नहाई हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही लेट लग गया क्योंकि बाथरूम भी साफ़ करने लगी मैं। चलिए पहले तो रोटी खा ही लेती हूँ। खाना तो मेरा बन गया है रात का, और इधर डुगू अपना प्रोजेक्ट बना के आधा रखा हुआ है क्योंकि अभी ये सूखने के लिए छोड़ के रख गया है सब कुछ। और शशि उस रूम बना रहा, शशि का फ्रेंड और शशि उस रूम बना रहा क्योंकि शशि का फ्रेंड आज भी यार आया हुआ है। और शशि के पापा का खाना तो हो गया, वो खाना खा के ड्यूटी जा रहे हैं। शशि के फरमाइश पे आज बनाए थे राजमा चावल, क्योंकि वो सुबह ही बोल के गया था मम्मी मेरा फ्रेंड आएगा तो आप राजमा चावल ही बना देना, तो राजमा चावल आज मैं बनाई हूँ। और चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।